अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ास तौर जो है वो हमारे मुस्तफ़ा मुजाहिद साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। उनकी बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने मेरा नाम हाजी याकूब बेरानी, एक ड्राइवर ठट्ठा सीमेंट का हूँ, जिन्होंने हमारे को बहुत अभी इस नहायत दुखी हालत में मुजाहिद मुस्तफ़ा साहब उस फर्जंद जुनेद मुख्तार साहब के बेटे ने हमारी मदद की, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हमारे पूरी सिंध में जो पूरे मुल्क में जो सैलाब और बारिश आई, उसमें जो है काफ़ी लोग बेचारे इस महंगाई में फंसे हुए हैं और उनके बिजली के बिलों में फंसे हुए हैं, सुई गैस के बिलों में फंसे हुए हैं, उनके घर गिरे हुए हैं, उनको खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही है और उनको बहुत तकलीफ है, जो अभी तक भी उनके घर नहीं है, उनके बच्चे जो हैं वो धूप में बैठे हुए हैं। मैं सब को ये रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे सरबराहों को, मिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, हमारे बिलावल भुट्टो साहब को, हमारे वज़ीर आला सिंध को, और जो हमारे जितने MNA MP पूरी सूबे सिंध में हैं, उन सबको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इस महंगाई से निजात दिलाओ और आगे हमारे इस ये जितने भी हमारे गरीब अवाम हैं उनका लिए कुछ करो। अभी जो हमारे मिस्टर शहबाज शरीफ ने ऐलान किया था कि ये 25,000 रुपये दिए जाएंगे, अभी कभी कभी सुनते हैं तो वो 25,000 मिलेंगे, पता नहीं कब मिलेंगे, कहाँ मिले हैं, अभी तक तो कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। अब मेहरबानी करके अगर देने हैं तो सबको दिए जाएं, क्योंकि बारिश में या घर गिरे हैं या मुश्किल हैं या महंगाई, सबके ऊपर आई है, ये नहीं कि किसी के ऊपर एक के आई है और एक को नहीं आई है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेहरबानी करके ये जो है वो सबके लिए अलाउ किए जाएं, ताकि ये मैंने ये भी सुना है कि कराची में नहीं दिए, क्यों नहीं कराची को दिए गए, कराची में ही लोग आए हैं सिंध के, वो कराची में भी आए हैं और कराची के भी लोग जो हैं कुछ इतने हैं कि वो सारे तो अमीर नहीं हैं, उसमें भी गरीब काफ़ी हैं, उन सबको जो अगर 25,000 मिलेंगे तो कितने नहायत वो खुश होंगे और हमारे मुल्क के लिए दुआएं मांगेंगे, हमारे सरबराहों के लिए दुआएं मांगेंगे। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूं कि ये जो है मेहरबानी करके सबको दिए जाए और गाँव जाके सर्वे करें और गाँव जाके ये काम करें, सब गाँव को मिले, चाहे वो ठट्ठा हो सिंध में, चाहे बदीन हो, उमरकोट हो, मीरपुर खास हो, चाहे हैदराबाद हो, नूरियाबाद हो, कराची के जितने ज़िले हैं वो हों, मैं उन सब भाइयों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके ये जो है हमारी वीडियो को आगे करें, ताकि और भी आगे सुने और समझे कि क्या हो रहा है। मैं सबके ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये खुदारा आगे सब गरीबों की मदद करो। मैं ख़ास तौर वज़ीर आज़म साहब को ये अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके ये सबको दिए जाएं, जो सबके बच्चे कुछ रोटी लेके एक टाइम को खा तो सके। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।